हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सारे नु मेरे तरफों दी बहुत बहुत प्यार। क्या हाल चाल है? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घर में सेफ होंगे, अपनी फैमिली के साथ में। आज का ये जो वीडियो है ये भी मैं लेके आई हूँ कि अगर आपके घर में बच्चों को बहुत ज्यादा गर्दन के ऊपर मैल आ गई है, या कोहनी के ऊपर मैल है, घुटना के ऊपर मैल है, बहुत जगह का वेदर ऐसा होता है, मतलब किसी किसी जगह का, किसी किसी शहर का वेदर ऐसा होता है कि उनको ये चीज मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर तो बनी जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग निग्लेक्ट करते हैं बहुत सारी चीजों को, मतलब अच्छे से अगर बच्चे क्लीनिंग ना करें, अच्छे से वॉश ना करें अपनी स्किन को, नहाते वक्त अच्छे से वो हम लोग जैसे बोलते हैं ना झावा रगड़ो, तो वो नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी में नहाते हैं। तो भाई पापा, जैसे मैं अपने बच्चों के पीछे पड़ी रहती हूँ, ठीक से नहाओ, ठीक से स्क्रब करो। मेरे जितने भी DIYs में मैं स्क्रबर बनाती हूँ, मोस्टली मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ कि जब वो नहाने जा रहे हैं तो अच्छे से उसको लगाएं, उसको यूज करें, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कि हमें हार्म नहीं करती हैं, क्योंकि इनमें केमिकल्स कुछ होते नहीं हैं, कुछ भी ऐसा कि आपकी स्किन को हार्म करे। तो इसीलिए अगर मैं बच्चों को भी दे रही हूँ ये चीज लगाने के लिए तो वो हार्मलेस है। मतलब अगर कोई 10 साल से छोटा बच्चा भी अगर है और उसको भी अगर ये प्रॉब्लम कुछ है गर्दन पे मैल वगैरह की, तो यूं वो आप उस पे भी कर सकते हैं। इसके लिए जो मैं चीज लेके आई हूं उसका बेस जो रहेगा वो रहेगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मेरे पास ये वाला है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मेन बेस जो है वो है सोडा, मतलब बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा जो हम लोग जब हम राजमा या चना उबालते हैं उसमें हम डालते हैं ताकि वो चीज जल्दी गल जाए। तो बेस इसका एक्चुअली क्या, मेन इसका काम ये है कि कोई भी चीज को फुला देना। जैसे अगर मैल जम गई है और वहां पे अगर हम इसको इसकी चीज जो जिस चीज के लिए ये हम यूज करे हैं उसके साथ में मिक्स करके इसको लगाएं, तो वहां की जो मैल होगी उसको वो हटाने का काम करेगा, मतलब उसको फुला देगा। उसके बाद जब आप वहां से क्लीनिंग करेंगे तो वो चीज अच्छे से साफ हो जाती है। तो आज जो मैं लेके आई हूँ वो बेकिंग सोडा से रिलेटेड है, आपके किचन से निकल के आया है, क्योंकि मेरे ज्यादातर वीडियोस किचन से ही रिलेटेड होते हैं, जो खाने की चीजें जो हम खाते हैं। मतलब मेरा तो मोटो भी यही हो गया कि खाओ हेल्दी, लगाओ हेल्दी, तो बस उसी का ही एक नेक्स्ट आप बोल सकते हैं नेक्स्ट स्टेप है। तो इसमें जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ उनको आपको ध्यान से सुनना है, किस चीज के लिए आपको कैसे यूज करना है, मतलब अगर आपको ब्लैक हेड है तो आपको कैसे लगाना है, अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा तो आपको इसको कैसे लगाना है, अगर पिंपल आके जा चुके हैं लेकिन अपने निशान छोड़ के गए हैं तो आपको इसको कैसे लगाना है, मैं ये सब आपको बताऊंगी। तो चलिए मेरे नेक्स्ट सेक्शन में, जहां पे मैं आपको बता रही हूँ इसका एक स्टेप करके जो मैंने वीडियो में दिखाया है, और उसके अलावा इसके 2-3 और भी यूजेस हैं, कहां कहां पे आप इसको कैसे कैसे लगा सकते हैं वो मैंने आपको आगे वाले सेक्शन में बताना है। तो मेरे नेक्स्ट सेक्शन में जाने से पहले मेरा ये वीडियो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मैं बनाती हूँ, यूजफुल वीडियोस हैं, कोई महंगा सामान नहीं। कोहनी काली हो गई है, ये चीज आप अपनी गर्दन के ऊपर भी कर सकते हैं इस उपाय को। इसके लिए मैंने लिया है, एक आपको बाउल लेना है, उसमें हमने यूज करना है बेकिंग सोडा जो कि हम पहले बताए हैं। आपको लेना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा, साथ में लेना है आपको कोई भी पेस्ट, आपके पास जो भी पेस्ट हो आप वो पेस्ट ले सकते हैं। मैंने 1 चम्मच पेस्ट लिया क्योंकि मुझे कोहनी पे ही लगाना था सिर्फ, और अगर आपका जैसे घुटना पर, गर्दन पर, तो आप उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी ले सकते हैं। गर्दन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा लगेगा इसीलिए आप थोड़ा सा अपना क्वांटिटी उसके हिसाब से ले लीजिएगा। साथ में मैंने लिया था 1 चम्मच बेकिंग सोडा, सेम ये भी आपको वैसे ही करना है। अगर आपको अपनी गर्दन पर, घुटना पर लगाना है तो उसके हिसाब से आप क्वांटिटी बनाइएगा। तो इस तरह से आपको इसको, अभी तक ये बेकिंग सोडा एक्टिवेट नहीं हुआ है, जब हमने इसको मिक्स किया तो ये एक्टिवेट नहीं हुआ, अभी हम जैसे इसमें नींबू ऐड करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने तो क्योंकि थोड़ी सी जगह पर ही लगाना था तो मैंने तुरंत उसी वक्त नींबू इसमें डाल दिया था, 4 से 5 ड्रॉप्स नींबू की मैंने इसमें डाली हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ पेस्ट को और बेकिंग सोडा को मिक्स करिए अच्छे से, और पहले उसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए जिस भी एरिया पे आपको इसको अप्लाई करना है, जहाँ पर भी आपको इसको लगाना है वहाँ पर लगा लीजिए उस पेस्ट को,
और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर नींबू रगड़िए। तो इससे क्या होगा कि नींबू उस वक्त हम उसके ऊपर लगा रहे हैं जब वो पेस्ट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो इससे क्या होगा कि वो जो पेस्ट हमने बनाया है, जो सोडा है, वो उस वक्त एक्टिवेट होगा जब वो हमारी स्किन के ऊपर लग चुका है ऑलरेडी, तो वो उस वक्त वे मैल फुलाने का काम करेगा। देखिए मैंने इस तरह से लगाया, 10 मिनट भी नहीं लगा था, मैंने इसको पोंछ दिया था। देखिए आप सिंपल टिश्यू पेपर से, चाहे कोई भी गीला कपड़ा से आप पोंछिए, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा आप देखिएगा। मेरा क्योंकि कम डार्क था इसीलिए मेरा एक ही बार में ये क्लीन हो गया, हल्का सा रह गया था, तब भी मैं यही बोलूँगी हल्का सा रह गया था, क्योंकि कोई भी DIY एक बार करने से नहीं होता है। देखा है आपने कोहनी के लिए, लेकिन यही सेम मेथड आपको अपनी गर्दन के ऊपर अप्लाई करना है। अगर आपको आपकी गर्दन को साफ करना है, बच्चे की गर्दन को साफ करना है, तो उसमें आपको सेम यही मेथड अप्लाई करना है कि आपको कोलगेट लेना है, मतलब कोई भी पेस्ट ले लीजिए। मेरे पास तो मिसवाक का था, मैंने ये यूज किया। आप कोई भी पेस्ट ले सकते हैं कोई भी कंपनी का, उसके साथ में आपको बेकिंग सोडा यूज करना है, साथ में आपको डालना है नींबू। क्यों? नींबू सिट्रिक एसिड का काम करता है जो कि हमारे सोडा को एक्टिवेट करेगा, और जब सोडा एक्टिवेट हो जाता है तो वो अपना काम शुरू करता है। तो बस इसी तरह से है। अब मैं आपको बताती हूँ उसके अलावा कि आप इसको कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है तो आपको क्या करना है, एक चम्मच बेकिंग सोडा लेना है, एक चम्मच आपको पानी के साथ उसको अच्छे से मिक्स करना है, और उसको जहां पर भी आपको पिंपल आ रहा है वहां पे आपको उसको अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में थोड़ी देर के लिए हल्का हल्का सा आप ऐसे से मसाज कर दीजिए ताकि वो अंदर पेनिट्रेट कर जाए, और उसके बाद में आपको उसको जब वो ड्राई हो जाए तो उसको सिंपल पानी से, प्लेन पानी से, साबुन वाबुन नहीं, प्लेन पानी के साथ में आप उसको वॉश कर दीजिए। अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम हमेशा रहती है और जहां पर भी रहती है, आप रेगुलर इस पेस्ट को लगाइए अपने वहां पर उस एरिया पे। जब आप रेगुलर इसको करेंगे तो वहां पर पिंपल बनना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा ऑयल बनना बंद हो जाएगा जिसकी वजह से पिंपल बनना बंद हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पिंपल का काम। लेकिन अगर पिंपल आके जा चुका है तो वहां पर आपको इसको क्या करना है, आपको करना है एक चम्मच सोडा लेना है, बेकिंग सोडा, उसमें आपको डालना है आलू का रस साथ में। आलू का रस आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आलू के रस में होती है ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज। तो आपको एक चम्मच आलू का रस लेना है, एक चम्मच आपको लेना है बेकिंग सोडा, इसको अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बनाइए, और जहां पर पिंपल आके जा चुका है वहां पर आपको उसको अच्छे से लगा के 5 मिनट के लिए अच्छे से आराम से अपनी उस स्किन के ऊपर मसाज देनी है आपको। उससे क्या होगा कि जो वो दाग धब्बे वो छोड़ के चले गया है, पिंपल अपने निशान छोड़ के जाता है, तो जो वो दाग धब्बे छोड़ के गया है उसको वो हटाने का काम करेगा। हाँ ये है, पहली बार में ऐसा नहीं होगा, दूसरी बार में भी नहीं होगा, लेकिन कम से कम आप 15 दिन तक इसको रेगुलर करिए, आपका वो जो पिंपल का निशान है, ब्लैकहेड है, डार्क स्पॉट है, उसको वो हटा देगा। ये हो गया मेरा सेकेंड टिप, जो ब्यूटी टिप है। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ अब थर्ड टिप। आप अगर आपको स्किन के ऊपर डार्क पैचेस पड़ गए हैं, मतलब मैं पिंपल वाली बात नहीं कर रही, बहुत लोगों को ना डार्क पैचेस आ जाते हैं, कहीं कहीं पर डार्क पैचेस की प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको लगाना है सेम बेस तो यही रहने वाला है बेकिंग सोडा, इसके साथ में आपको डालना है नींबू का रस। आधा चम्मच नींबू का रस लीजिए, एक चम्मच आप बेकिंग सोडा लीजिए, अच्छा सा एक पेस्ट बनाइए, और जिस जगह के ऊपर आपको ब्लैक स्पॉट पड़ा हुआ है वहां पर लगा के आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। इसको आप कंटिन्यू कीजिए, वो ब्लैक स्पॉट आपका वहां से धीरे 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 अपने आप हट जाएगा जब आप इसको रेगुलर यूज करेंगे। 15 दिन तक आप करके देखिए, आपको इसका इफेक्ट दिखने लगेगा। इसके अलावा अगर आपको ब्लैक हेड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा बहुत मोटे मोटे ब्लैक हेड्स हैं, बहुत लोगों को तो पूरे फेस के ऊपर होते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल पानी में इसको आपको पेस्ट बनाना है। सिंपल पानी में कुछ नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है, बहुत सस्ता इलाज बता रही हूं मैं आपको, मुश्किल से 10 रुपए में आपका ब्लैकहेड का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आपको सिंपल पानी में इसका पेस्ट बनाना है, मतलब एक चम्मच आप सोडा ले लीजिए, एक चम्मच से कम पानी लगेगा एक्चुअली इसमें,
क्योंकि हमें बहता हुआ नहीं बनाना है, थोड़ा थिक वाला बनाना है ताकि जब हम इसको लगाएं, अप्लाई करें यहाँ पर, तो वो अच्छे से पेस्ट बन के वहां पे रुक जाए। तो जब आप उसको लगाएंगे तो गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए। उसके साथ में आपको उसको रब करना है 3 से 4 मिनट के बाद में, जब वो हल्का हल्का आधा सेमी ड्राई हो जाए ना, जब वो आधा सूख जाए, तब आपको उसको हल्का हल्का सा ना रब करना है। रब करने से क्या होगा कि जो हमारे ब्लैक हेड है ना अंदर, वो निकलेंगे वहां से, वो निकल के वहां से उस जगह को क्लीन करेंगे, और जो हमारी जगह पे जहां जहां पे आपने उसको लगाना है वहां से वो उस डेड स्किन को हटाएगा। जब वो स्किन हटेगी तो अंदर से हमारी जो क्लीन वाली स्किन है वो निकल के बाहर आएगी, मतलब हमारी स्किन, डेड स्किन इकट्ठी हो जाती है। आपने कभी भी आप किसी भी स्क्रबर को यूज करते हैं तो करने के पहले आप देखिए और करने के बाद आप देखिए, आपको फर्क पता चलेगा स्किन आपकी कितनी स्मूथ हो जाती है। तो आपको उस जगह के ऊपर पेस्ट लगाना है, बहता हुआ पेस्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक वाला पेस्ट होना चाहिए। तो इसको आप लगा लीजिए अच्छे से, और उसके बाद जब 3 से 4 मिनट में ही वो हल्का हल्का सा ड्राई, सेमी ड्राई होगा, तब उसको आपको इसको रब करना शुरू करना है। 2 से 3 मिनट ही आप रब करेंगे, आपको अपनी स्किन खुद से स्मूथ लगने लगेगी, और जब आप उसको सिंपल पानी के साथ में वॉश करेंगे तो आपके वो ब्लैक हेड जा चुके होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये रेमेडी हर हफ्ते करनी है ताकि ब्लैक हेड वापस ना बने, क्योंकि ब्लैक हेड एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमेशा आती रहती है। तो इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है कि आप कोई भी परमानेंट चीज लगा दीजिए ब्लैक हेड बनने बंद हो जाए, नहीं, आपको कंटिन्यू अपनी स्किन की केयर करनी है। बेकिंग सोडा एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर भी है, जो हमारी स्किन के ऊपर जब डेड स्किन इकट्ठी हो जाती है, डेड स्किन बन जाती है, या हमने बहुत टाइम से अगर अपने फेस को या अपनी स्किन को केयर नहीं किया है, डलनेस आ जाती है, फेस के ऊपर डलनेस लगने लगती है, ग्लो नहीं दिखता है, स्किन स्मूथ नहीं लगती है, तो जो सोडा होता है बेकिंग सोडा, वो बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है हमारी स्किन के ऊपर। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, चाहे हम दूध में डाल के अप्लाई करें, चाहे हम पानी में डाल के अप्लाई करें, चाहे हम नींबू में डाल के अप्लाई करें, और या फिर अगर हम आलू के जूस में इसको डाल के अप्लाई करें, ये हमारी स्किन के लिए बहुत 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 यूजफुल है। इसके साथ में अगर बहुत ज्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है तो भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑयल को हटाने का काम करता है। बहुत ज्यादा ऑयल जब बन रहा होता है तो अगर हम इसको रेगुलर अपने फेस के ऊपर एक पैक की तरह यूज करें तो वो एक्स्ट्रा ऑयल को बनने भी नहीं देगा, हमारी स्किन को स्मूथ करने का काम करेगा। इसके अलावा इसमें होती है हमारी स्किन को लाइटनिंग करने की प्रॉपर्टीज, मतलब स्किन लाइटनिंग का भी इसमें प्रॉपर्टी होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगस प्रॉपर्टी होती है इसमें, जो हमारी स्किन के ऊपर बैक्टीरियाज को बनने नहीं देती है। अगर आपको अपनी स्किन का कलर टोन जो है वो लाइट करना है, आपको इसको रेगुलर यूज करना है, उससे क्या होगा, आपका स्किन टोन भी चेंज होगा, आपका कलर टोन भी चेंज होगा, मतलब अगर आपका कलर आपको थोड़ा सा लाइट चाहिए तो वो भी होगा। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल भी लगेगा अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, और मैं जानती हूँ कि आप इसको जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो गर्दन की मैल होती है या फिर जो कोहनी की जो कालापन होता है, ये प्रॉब्लम सबके साथ में है। तो आप इसको अप्लाई करिए एक बार। अगर आपको कोलगेट वाला नहीं यूज करना है, तो आपको अगर पिंपल के लिए प्रॉब्लम यूज करना है, अगर बहुत ज्यादा पिंपल बन रहे हैं तो उसके लिए आप यूज करिए। 15 दिन तक आप एक बार करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट खुद ब खुद दिखने लगेगा। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो भी आप DIYs करते हैं ऐसे, इस तरह के जिसमें सोडा, बेकिंग सोडा हम लोग यूज करते हैं, एक बार पैच टेस्ट जरूर करिए अपनी स्किन के ऊपर, क्योंकि बहुत लोगों को सोडा से एलर्जी भी हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होगी लेकिन हाँ एलर्जी हो सकती है। बहुत लोगों को जिनको नींबू से एलर्जी है, जैसे कि मेरा स्किन एक्चुअली सेंसिटिव है, मुझे नींबू ज्यादा नहीं सूट करता है, तो मैं अवॉइड करती हूँ नींबू लगाना, इंस्टेड ऑफ मैं आलू का जूस लगा लेती हूँ, क्योंकि नींबू और आलू का जूस मोस्टली सेम काम करता है, क्योंकि आलू के जूस में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, सेम नींबू के जूस में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए अगर मुझे कहीं पे नींबू यूज करना होता है तो वहां पे या तो मैं टमाटर यूज कर लेती हूँ अपनी स्किन के लिए, क्योंकि मेरा स्किन जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन जिनको सूट करता है उनके लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपको नींबू सूट करता है तो आप नींबू लगा सकते हैं, नहीं तो आप आलू का जूस भी लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ, बहुत लंबा हो गया है और, लेकिन ये बहुत यूजफुल है दोस्तों, आप इसको जरूर करिए, आपको इसका फायदा जरूर होगा। और अगर अभी तक, फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, आगे तक देखते देखते आ चुके हैं, तो प्लीज जाइए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस बेल आइकॉन जरूर, क्यों, क्योंकि मेरा जो भी पहले से पहले वीडियो आएगा वो आपकी नोटिफिकेशन में खुद ब खुद आ जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।